ये चैप्टर 8 वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया ग्रेड 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8 करेंगे हम। हमने अब तक देखा पूरा ओवरऑल कैसे हम धीरे धीरे फ्रीडम फाइटिंग स्ट्रगल सारा चीज करते करते हमने उसमें कवर किया था वर्ल्ड वॉर्स हुए थे। सो उसका अब एक अलग से एक पूरा चैप्टर है बिकॉज इट इज अ वेरी वास्ट हिस्ट्री, बहुत ही इन डेप्थ हिस्ट्री है और ऑफकोर्स पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है, वर्ल्ड हिस्ट्री है ये। सो इसीलिए इसका एक पूरा सेपरेट चैप्टर है। तो पहले हम वर्ल्ड वॉर्स के बारे में बात करेंगे इसमें, और वर्ल्ड वॉर्स और इंडिया का क्या उसमें रोल रहा है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट गिरा है, इंडिया को कितना लॉस हुआ है ये चीज हम देखेंगे, इंडिया कैसे वॉर में इन्वॉल्व हो गया था ये चीज हम देखेंगे। हालांकि वर्ल्ड वॉर्स यूरोप कॉन्टिनेंट रिलेटेड मेनली मेजरली थी, लेकिन इंडिया कैसे उसमें इन्वॉल्व हो गई थी वो हम देखेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। जस्ट वेरी क्विकली, ओनली ओनली 15 सब्सक्राइबर्स बाकी है एंड आई एम गोना टच 10,000 सब्सक्राइबर्स, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर शेयरिंग द वीडियोज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर द लाइक्स द कमेंट्स एंड एवरीथिंग, कीप सपोर्टिंग। और जल्दी से जल्दी अपने लाइक फ्रेंड्स और सारे फैमिली मेंबर्स की भी प्रोफाइल में जाकर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और 10,000 प्लस करा दीजिए। टुडे द डेट इज 3rd of July, 3rd of July को मैं ये शूट कर रहा हूँ। होपफुली 2-3 दिन में वीडियो एडिट हो जाएगा। एंड इट्स अ वास्ट चैप्टर, इट्स अ वास्ट हिस्ट्री इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, बहुत ही इन डेप्थ डिटेल्स को सरफेस लेयर पे हम खाली पढ़ने वाले हैं। सो अगेन आपका सेल्फ रिसर्च, आपका सेल्फ इंटरेस्ट इन टू द एंटायर टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे तरफ से ये चैप्टर जितना हो सके मैं आपके लिए इजी रखने की कोशिश करूंगा। एंड अगेन द बेसिक रूल्स, पेन पेपर लेके बैठिए, टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, जैसे जैसे एक एक पैराग्राफ एक एक टॉपिक खत्म होता है रीड, पॉज द वीडियो, रीड द दैट मच पार्ट, अंडरलाइन द मेन टॉपिक्स, राइट डाउन फ्यू डेट्स, राइट डाउन फ्यू इंफॉर्मेशन जो जो इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है, मैंने टाइप करके रखी है डेट्स वगैरह, वैसे आप का नोट्स रेडी होते जाना चाहिए। इसलिए जैसे ही आप ये एक वीडियो कंप्लीट करते हो, 2 आवर्स कंप्लीट करते हो, आपका एक पूरा चैप्टर लाइक 50 to 70% कवर हो जाना चाहिए। आपको बस फिर एक दो रीडिंग एंड फिर बस आप लिखने के लिए रेडी हो जाने चाहिए। सो दैट्स अ होल पॉइंट बिहाइंड दिस एक्सप्लेनेशंस एंड बिहाइंड द वीडियो। सो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर 8, चैप्टर वर्ल्ड वॉर्स एंड इंडिया। The first half of 20th century witnessed two world wars. These were the most important events of the century. Witnessing two world wars, it changed world scenario. We are going to learn about its impact on India. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि दो वर्ल्ड वॉर्स जो हुई थी उसका और इंडिया का क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। पहला स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो यहाँ पे एक और बात बता दूं, इन्होंने आप अगर सीक्वेंस देखे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बताइए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 8.2 बताया, फिर वर्ल्ड वॉर्स और इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेन और इंडिया का क्या रिलेशन है ऐसे बताया। तो हम लोग चैप्टर कवर करेंगे 8.1, फिर 8.3 टॉपिक कवर करेंगे, फिर 8.2 पे आएंगे और फिर 8.32 कवर करेंगे, यानी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरा कवर करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया का इम्पैक्ट कवर करेंगे, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जाएंगे और फिर 8.4 लास्ट वाला। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1914 कॉमन एरा। द मेन कॉज ऑफ इट वॉज द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द यूरोपियन कंट्रीज हु नरिश्ड इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन। सो हम जानते ही हैं कि सारे यूरोपियन नेशंस रेस में जुड़ गए थे कि कौन ज्यादा कैप्चर करेगा, कौन अलग अलग एशियन कंट्रीज अफ्रीकन कंट्रीज को कैप्चर करके अपनी इंपीरियलिस्टिक विजन को पूरा करेगा और अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल्स एंड लोगों को इस्तेमाल करेगा। Causes of the First World War. We have already seen that the latter half of the 19th century was marked by several industrial revolution inventions. So हमने देखा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और कितने सारे इन्वेंशन हो रहे थे जिसकी वजह से हर जगह पर पूरे यूरोप में, स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोप एक्चुअली, न्यू मशीन्स, न्यू इंडस्ट्रीज आते जा रही। मशीन्स केम इन यूज फॉर वेरियस प्रोडक्शन प्रोसेसेस। यूरोपियन कंट्रीज वेर नाउ इक्विप्ड टू इंक्रीज प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन। They needed more raw material to match the quantitative increase in production and more markets to sell their surplus products as well. तो ये हम जानते ही हैं, ये वही बात रिपीट हो रही है अगेन कि इंपीरियलिज्म स्टार्ट ही करना क्यों हो गया नेसेसरी, कि
उन्होंने जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मोर प्रोडक्शन वाला पावर एक्वायर किया, तो अब मोर प्रोडक्शन तो है लेकिन इतना सारा प्रोड्यूस करके बेचू किसको? मार्केट में तो उनकी खुद के कंट्री में तो 100 लोग ही है, तो इतना सारा जो प्रोड्यूस, जो 1,000 की क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर पा रहा हूं अभी, तो वो मैं कैसे खत्म करूंगा, ये किसको बेचूंगा? इसलिए हमें न्यू मार्केट्स चाहिए थे। प्लस इतना 1,000 प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स भी उतना ज्यादा चाहिए, तो नया रॉ मटेरियल्स खुद की कंट्री में तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो कहां से आएंगे? अगेन उसके लिए हमें न्यू कंट्रीज, न्यू जगह चाहिए जिसपे हम कैप्चर कर ले, जिसके साथ हम ट्रेड के बहाने उसके ऊपर पूरा कब्जा कर ले और फिर वहां से हम रिसोर्सेस लेते रहे। इंपीरियलिस्टिक यूरोपियन नेशंस बिगेन टू सर्च फॉर न्यूअर लैंड्स टू मीट दीज नीड्स, दिस वुड ऑफन क्रिएट वॉर लाइक सिचुएशंस अमंग देम। कीपिंग दिस इन व्यू, मोर पावरफुल नेशंस इन यूरोप फेल्ट द नीड टू कंटिन्यूअसली इंक्रीज देयर मिलिट्री पावर एंड आर्मरी। तो ये पूरे पैराग्राफ का मेन मुद्दा यहां पर सिर्फ यही बताने का था कि सभी को एक नीड फील हो चुकी थी कि कैसे हमें जरूरी है एक मिलिट्री पावर, एक स्टैंडिंग आर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे पास आर्म्स, हमारे पास हथियार, इतने वेपन सारे अलग अलग तरह के होने चाहिए, आर्मी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कभी भी वॉर वाली बात हो तो तुरंत हम रेडी हो जाए। द कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, पोर्चुगल, हॉलैंड, बेल्जियम एटसेट्रा हैड ऑलरेडी एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन अफ्रीका एंड एशिया। तो अगेन हम ये जानते ही हैं कि ये लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ पे आ चुके थे, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज पे उनका कब्जा हो चुका था, एशिया की बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया उनका कब्जा हो चुका था। इन द प्री वर्ल्ड वॉर यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, अब यहाँ पे एक और बार मुझे बतानी है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक कॉमन, अलग अलग कंट्रीज है लेकिन एक कॉमन, वो लोग तब साथ में ही होते थे, तो ऑस्ट्रिया हंगरी यानी एक ही कंट्री माना जाता था, एक ही पूरा वो किंगडम माना जाएगा, उसको जरा ध्यान में रखिएगा। ओके, रशिया, फ्रांस एंड इटली वेयर द नेशंस ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। तो ये कुछ तभी के बहुत ही प्राइम इंपॉर्टेंस वाले कंट्रीज के नाम दिए हैं, इसे अंडरलाइन करें, उसे लिख लीजिए। अमॉन्ग देम राइवल ग्रुप्स वे फॉर्म्ड, अब आपस में ही इनके झगड़े स्टार्ट हो चुके थे और दो ग्रुप्स बन जाती है, राइवल ग्रुप्स बन जाती है। बिकॉज ऑफ द राइवलरी एवरी नेशन बिगेन टू एनहांस इट्स मिलिट्री एंड नेवल स्ट्रेंथ, देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, दिस अल्टीमेटली रिजल्टेड इन पॉलिटिकल सिचुएशन अकीन टू वॉर। तो अगेन यहां पर वो जो फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन थी उसी को पैराग्राफ में समझाते हुए ये बताया कि इन कंट्रीज, ये जो प्राइम कंट्रीज थी, ये जो प्राइम नेशंस थे, इनके बीच में जो पावर स्ट्रगल चल रहा था उसमें उनको फील हो गया था कि मिलिट्री और अपनी नेवल स्ट्रेंथ को रखने की कितनी ज्यादा जरूरत है, और उन्होंने वो चीज में अपना रिसोर्सेस लगा दिए। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेपन्स कौन क्रिएट करेगा? न्यूक्लियर वॉर वेपन्स की शुरुआत हो चुकी थी कि वो इन्वेंशंस करने, वो एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट हो चुके थे, ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब देखेंगे, अब वॉर जैसे सिचुएशंस हो ही रहते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसकी हमने अभी बात की, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया करके जो देश है यूरोप में, वहां पर एक तरह से एनेक्सेशन कर दिया था, एनेक्स्ट कर दिया था, और उस पे उसका रूल कंट्रोल था ही। तो वॉर आपस में बाजू बाजू किंगडम से हो ही रही थी फॉर द लैंड, फॉर एक्वायरिंग मोर एंड मोर लैंड एंड इन जनरल रिसोर्सेस। सो ये हो ही रहा था, आपस में इनके मुठभेड़ हो ही रहे थे, लेकिन एक ऐसा इवेंट होता है जिसके वजह से लाइक इट्स काइंड ऑफ अ डोमिनो इफेक्ट, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, जिसके वजह से दर 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 विदिन विदिन अ मंथ वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या था? वो इमीडिएट कॉज, उसे हम इमीडिएट कॉज कहते हैं, हमने अभी तक कॉजेज में वही पढ़ा, लेकिन इमीडिएट कॉज मतलब वॉर जैसे सिचुएशन तो हर जगह थी और हो भी रही थी बैटल्स, लेकिन एक ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर्स पूरी हम डिक्लेयर कर चुके थे कि द ग्रेट वॉर, हम ग्रेट वॉर कहते थे क्योंकि हमें तब पता नहीं था कि इसके बाद भी वर्ल्ड वॉर होगी, इसलिए तब उसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं बोलते थे, सिर्फ द ग्रेट वॉर कहते थे। तो ये कैसे, कौन सा वो इंसिडेंट था वो हम यहाँ पे देखेंगे। द ऑस्ट्रियन प्रिंस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ वेर असैसिनेटेड इन सर्बिया बाय अ सर्बियन मेनियक। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा रील YouTube शॉर्ट्स बनाया था जो कि मैंने कल या परसों अपलोड किया था, उसे आई होप आपने देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से उसको देख लो। ऑस्ट्रियन प्रिंस के बारे में थोड़ी सी उसमें डिटेल्स दी है। सो ये आर्च ड्यूक, इन्होंने लव मैरिज की, एक उनकी वाइफ थी, और ये बोस्निया कंट्री में, वहां पर वो इवेंट, किसी इवेंट के लिए गए थे। सो लेट मी एक्चुअली
शो यू ऑन मैप। सो एज यू सी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उसके नीचे ही आता है बोस्निया एरिया। सो यहां पर वो गए थे और वहां पर जो नेशनलिस्ट लोग थे, और वहां पे बहुत ही सर्बिया एक जो अलग कंट्री है, वहां के कुछ लोग बोस्निया में मौजूद मौजूद थे, वहां पर रहते थे सर्बियंस लोग। तो उन लोग के अंदर एक नेशनलिस्ट ये था कि इन्होंने बोस्निया पे कब्जा कर लिया था। किन्हों ने? ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया को एनेक्स कर लिया था। तो इनके अंदर एक 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 गुस्सा था, एक एक बदला लेने की आग थी। तो जो नेशनलिस्ट पार्टी एक थी, नेशनलिस्ट ग्रुप जो एक जो था, उन्होंने प्लान किया कि इनको हम मार डालें। तो ये एक बॉम्बिंग करते हैं, लेकिन वहां पर वो रॉन्ग मतलब वो नहीं उनको अफेक्ट करता है, और वो रॉन्ग बॉम्बिंग हो जाती है, इनोसेंट लोग मर जाते। ये लोग बच जाते हैं, प्रिंस और प्रिंसेस बच जाते हैं। अब जो लोग बॉम्बिंग में एक्चुअली घायल हुए, उनको वो मिलने के लिए प्रिंस और प्रिंसेस ऑन द वे हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां पर टैक्सी ड्राइवर जो कि बिक चुका है एक तरह से, वो एक रॉन्ग टर्न लेता है, और वहां पर एक 19 साल का आदमी, 19 साल का एक ब्रेन वॉश नेशनलिस्ट पर्सन जो सर्बियन था, मेनियक जिसे यहाँ पर उन्होंने कहा है, सर्बियन मेनियक, वो पॉइंट ब्लैंक शूट करता है, हेडशॉट एंड असैसिनेशन कर देता है दोनों का। सो ये जो इवेंट हो जाता है कि सर्बियन पर्सन ने प्रिंस को, ऑस्ट्रियन प्रिंस को बोस्निया में सरेआम मार दिया, तो ये इवेंट के वजह से पूरा एकदम अफरा तफरी मच जाती है। सो दैट इज द मेन इमीडिएट कॉज। इसके बाद से अब फट 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 वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है। इन ऑस्ट्रिया पीपल बिलीव दैट दिस होल एक्ट वॉज मैन्यूवर्ड बाय द सर्बियन किंगडम। अब सर्बिया के सर्बियन पर्सन ने मारा था, तो पूरा देश जो है ऑस्ट्रियन हंगेरियन पीपल है, सभी लोग का मानना था कि सर्बियन लोग का ये प्लान था, ये उन्होंने उनका ये किया था। हालांकि सर्बियन कोर्ट केस होता है 1 महीने तक का, जिसमें सर्बियन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकलता है, हालांकि इससे गुस्सा होके वो लोग वॉर डिक्लेयर करते हैं। हेंस हम यहाँ पर हम डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ेंगे ये सारी बातें, एक एक लाइन में कवर करेंगे। हेंस ऑस्ट्रिया कॉल्ड अ वॉर अगेंस्ट सर्बिया ऑन 28 जुलाई। तो देखिए आप, मैंने डेट्स इसलिए लिखे, असैसिनेशन हुआ था 28 जून 1914 को, और ठीक 1 महीने बाद, 1 महीने ये लोग पूछताछ ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, एंड वो गुस्से में आके ऑस्ट्रिया हंगरी जो है सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देती है, 28 जुलाई 1914 को वॉर डिक्लेयर कर देती है। रशिया केम इन टू हेल्प सर्बिया। अब रशिया जो है, जो अलग ऊपर से कंट्री है, आप देख सकते हो मैप में, रशिया का वो सर्बिया को सपोर्ट करने आ जाता है। अब रशिया का सर्बिया को सपोर्ट क्यों करना है? तो ये जो एरिया है, बल्कन एरिया कहा जाता है, ये पूरा इतना बल्कन एरिया कहा जाता है, यहां पर पहले से बल्कन वॉर्स हो चुकी थी, क्योंकि ऑटमन एम्पायर और ये सर्बिया, ये ऑस्ट्रिया, ये सब अपना अपना एक लैंड ग्रैब करना चाहते थे एक दूसरे की। ये ऑलरेडी एक एक मतलब ऐसा एक जोन था जहां पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, वॉर कर रहे हैं, बैटल्स कर रहे हैं लैंड ग्रैबिंग के लिए, एरिया ग्रैबिंग के लिए। जैसे हम खबर सुनते रहते हैं कि चाइना ने इंडिया बॉर्डर क्रॉस कर दी, एरिया कब्जा कर दिया, इंडिया ने उसको रिटेलिएट किया, पाकिस्तान लोग ने, ये हम जो सुनते हैं सेम चीज यहाँ पर, ये सारे नेबर्स है एक दूसरे के, और ये हो रहा था। तो रशिया को सर्बिया को वो हेल्प करने जाता है, क्योंकि रशिया का ये मानना है कि अगर वो सर्बिया रीजन को सपोर्ट में रहेगा तो उसके पास एक कब्जा रहेगा, कि जब भी उसको जर्मनी पे कुछ करना हो, अटैक करना हो, तो वो अच्छी स्ट्रेटेजिक पोजिशन पे रहेगा। तो इसलिए वो सर्बिया के फेवर में था। रशिया केम इन टू हेल्प सर्बिया। टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन नेशंस वर फॉर्मड, वन ग्रुप सपोर्टिंग ऑस्ट्रिया एंड अनदर सपोर्टिंग सर्बिया। तो इस तरह से एक एक पार्टीशन हो गया। ऑस्ट्रिया सर्बिया की मेन वॉर है, जिसमें अब कुछ लोग ऑस्ट्रिया की तरफ हो जाएंगे, कुछ लोग सर्बिया की तरफ हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया है। ओके, सो रशिया में तब थे जार निकोलस द सेकेंड, उन्होंने तुरंत ही सर्बिया के सपोर्ट में आवाज उठाई थी और वॉर में वो शामिल हो गए। नाउ ऑस्ट्रिया एंड अदर सपोर्टिंग ऑस्ट्रिया एंड हंगरी वेर ट्राइंग टू सप्रेस सर्बिया एंड जर्मनी वॉज ऑन देयर साइड। अब अगेन नेक्स्ट एक और कंट्री का नाम बता रहे। पहले तो ऑस्ट्रिया हंगरी मैंने आपको पहले ही बताया, ये साथ में ही आपको याद रखना है, ऑस्ट्रिया हंगरी साथ में ही पूरा वो तभी कंट्री था, किंगडम था। ओके, तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही है पूरा। ऑस्ट्रिया हंगरी वेर ट्राइंग टू सप्रेस सर्बिया। अब ये दोनों मिलके सर्बिया को दबा रहे थे, जिसमें रशिया इंटरफेयर कर दिया था। अब 1 अगस्त को
जुलाई 28 को रशिया एंटर कर चुका था, ऑस्ट्रिया ने डिक्लेयर कर दिया था, और रशिया ने नेक्स्ट तुरंत ही सर्बिया को सपोर्ट कर दिया था। तो 1 अगस्त को जर्मनी भी इसके अंदर पड़ जाता है, जर्मनी तुरंत आ जाता है ऑस्ट्रिया और हंगरी के तरफ, ओके, वॉज ऑन देयर साइड। ये लिख के लीजिएगा यहाँ पे, ये लाइन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसीलिए वॉज ऑन देयर साइड मतलब किसके साइड है, देयर यहाँ पे है ऑस्ट्रिया और हंगरी, सो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साइड था, ओके, इट मींस रशिया के खिलाफ। नाउ बेल्जियन हैड ए न्यूट्रल पॉलिसी। अब बेल्जियन एक और कंट्री है जो कि जर्मनी के और फ्रांस के बीच में पड़ती है छोटी सी, तो बेल्जियम का कोई उसको वो न्यूट्रल पॉलिसी में था, लेकिन जर्मनी ने फिर भी बेल्जियम पे हमला कर दिया ताकि वो पेरिस फ्रांस पे हमला कर सके। तो जर्मनी पहले से एक मौका ही देख रहा था कि कैसे मैं कब्जा करना चालू करूं वॉर डिक्लेयर कर करके। तो जर्मनी ने बेल्जियम पे सबसे पहले अपना हमला कर दिया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां से अपने ट्रूप्स पेरिस की तरफ, फ्रांस की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया। सो वो बात यहाँ पे लिखी है दैट बेल्जियम हैड ए न्यूट्रल पॉलिसी इवन दैट जर्मनी अटैक्ड बेल्जियम एंड एस्टाब्लिश देयर सुप्रीमेसी देयर। इंग्लैंड स्टूड अप विद बेल्जियम एंड कॉल्ड अ वॉर अगेंस्ट जर्मन। अब इंग्लैंड तो वहां से देख रहा है कि अरे यहां पर ये लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, फ्रांस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंग्लैंड स्टेप इन करता है बचाव के लिए और इंग्लैंड भी वॉर में शामिल हो जाता है। इंग्लैंड स्टूड अप विद बेल्जियम एंड कॉल्ड अ वॉर अगेंस्ट जर्मन। नाउ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की ने भी ज्वाइन कर लिया था अक्टूबर 1914 को, एंड बल्गेरिया नोन एज सेंट्रल पावर्स। अब दो झुंड बन चुके हैं, सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइड नेशंस। सो प्लीज ये नाम पहले आप लिख लीजिए, सेंट्रल पावर्स, अलाइड नेशन, दो ग्रुप बन चुके हैं, दो यूरोप के ग्रुप्स, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के हिस्से हो चुके हैं, सेंट्रल पावर्स एंड द अलाइड नेशंस। सेंट्रल पावर्स में आ जाते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, टर्की, बल्गेरिया, ओके, एंड अलाइड नेशंस में आ जाते हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया। सो ये लोग अलाइड नेशंस में आ जाते हैं। आगे जाकर क्या होता है, ऑन द वन साइड इंग्लैंड जो 4 अगस्त को ज्वाइन होती है वॉर में इन इन फेवर ऑफ टू सपोर्ट बेल्जियम बेसिकली, लेकिन ऑलरेडी जर्मनी कब्जा कर चुका है उसके ऊपर, एंड थर्ड अगस्त को फ्रांस ऑलरेडी वॉर में हो चुकी है क्योंकि जर्मनी ने बेल्जियम को कंट्रोल करके ही वो टुवर्ड्स पेरिस ट्रूप्स भेजना स्टार्ट कर दिया था, प्लान कर दिया था, इसलिए फ्रांस पहले ही इन्वॉल्व हो जाती। तो आप देखिए सीक्वेंस, 1 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, ये धड़ाधड़ इतने 3 4 दिन में तीन चार नेशन इन्वॉल्व हो चुके हैं, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। सो इतनी उनके पास मिलिट्री वैसी अवेलेबल है, आर्मी वेपनरी अवेलेबल है कि इमीडिएट वॉर के लिए रेडी होना चाहिए वो लोग को, राइट। सो ये आप देखिए विद इन 3 डेज 4 डेज ये नेशंस आपस में भिड़ चुके थे। नाउ रशिया तो ऑलरेडी था ही, वेयर ऑन द ऑल्सो नोन एज द अलाइड नेशन वेयर ऑन द अदर। लेटर इटली ज्वाइंड द अलाइड पावर्स। अब इटली पहले तो न्यूट्रल था एक तरह से और थोड़ा टूवर्ड्स जर्मनी साइड भी था क्योंकि इटली को पहले प्रॉमिस कर दिया था ड्यूरिंग द बल्कन्स वॉर कि उसको ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सा मिलेगा, ऑस्ट्रिया का कुछ लैंड हिस्सा उसको कब्जे में मिल जाएगा, बल्कन्स का ऑटोमन एम्पायर का कुछ हिस्सा उसको उसके अंडर आ जाएगा। ये आप मैप्स देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर का, वो इटली का जो मैप है, तो ये इटली को प्रॉमिस किया गया था लेकिन उसमें से सारी प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुई थी, इसलिए इटली ऑलरेडी थोड़ा सा परेशान था और थोड़ा सा ये बदले की फिराक में था कि कब कब मैं अपनी लैंड ग्रैबिंग वाली चीजें करूंगा। तो इटली ने मई 1915 को ये पूरा सब सिनेरियो देखा और फाइनली एलाइड पावर्स के साथ ज्वाइन हो गया, यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया के साथ वो ज्वाइन हो गया वॉर में। तो ये नोट्स लिखना जरूरी इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ सिनेरियोज अलग होने वाले हैं, तो इसीलिए ये जरूरी है कि अभी आप ये देख ले कौन किसके साथ है। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में इटली और जर्मनी साथ हो जाने वाले हैं, इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 1 में इटली जर्मनी के अगेंस्ट है यहाँ पर, ओके, इटली इज अ पार्ट ऑफ अलाइड पावर एंड विच इज अगेंस्ट जर्मनी, ओके। इटली ज्वाइंड अलाइड पावर्स ऑन मई 1915 इन द लास्ट स्टेज ऑफ वॉर। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद अमेरिका स्टेप इन करता है वॉर में 6 अप्रैल 1915 को, एंड अलाइड नेशंस के साथ वो जुड़ता है। अमेरिका स्टार्टिंग से ही इंग्लैंड, फ्रांस को पैसे सप्लाई कर रहा था, जेपी मॉर्गन आप नाम जानते होंगे बैंक का, वो तब उस टाइम की वो पर्सन की बैंक है जेपी मॉर्गन, वो फिनेंस कर रहा था पूरा वॉर, फिनेंस कर रहा था, अमेरिका पूरा फिनेंशियल सपोर्ट दे रहा था पूरा ये अलाइड नेशंस को, लेकिन अलाइड नेशंस का जर्मनी बहुत स्ट्रांगली हर एक को
टक्कर दे रहा था और सबमरीन वॉरफेयर चालू हो चुकी थी। सबमरीन्स के थ्रू एक दूसरे की सबमरीन्स वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, फूड चेन को तोड़ रहे थे, फूड सप्लाईज को रोक के रखा था। ये सारी चीजें हो रही थी जिसमें अमेरिका ने देखा कि ये हम तक अब पहुंच रहा है और हमें ट्रेड वाइज भी अफेक्ट कर रहा है, और देख रहा है कि अलाइड नेशंस का पूरा ग्रुप हार ना जाए, इसलिए वो तुरंत ही वॉर ज्वाइन करता है जैसे ही ये मतलब देखता है वॉर साइड क्या हो रहा है। तो 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका स्टेप इन करता है और दैट इज द लाइक काइंड ऑफ एक साल में फिर वो वॉर एंड हो जाती है। जर्मनी ये सभी लोग हार जाते हैं, सेंट्रल पावर्स डिफीट हो जाती है इसके अंदर। ओके, अ नवल वॉर वॉज फॉट इन 1916। तो अगेन देखिए थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया कि ये उसके पहले का ही है, सबमरीन वॉर्स वॉरफेयर चालू हो चुकी थी बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड एट जुटलैंड इन द नॉर्थ सी एंड जर्मन नेवी वॉज डिफीटेड। तो यहां पर सबमरीन वॉरफेयर चालू हो चुका था, नेवल वॉरफेयर चालू हो चुका था, नेवीज आपस में एक दूसरे की शिप्स को बड़ी बड़ी शिप्स को वो तबाह कर रहे थे। तो यहाँ पर इंग्लैंड और जर्मनी आपस में एक दूसरे के आ जाते हैं जिसमें जर्मनी हार जाती। इट रिजल्टेड इन अ पीस ट्रीटी इन 1918। तो 1918 में जब ये पूरी वॉर हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो पीस ट्रीटी होती है जिसे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कहा जाता है। वर्सेलिस एक फ्रांस में जगह है, वहां पर जो लोग हारे हुए लोग हैं, सेंट्रल पावर्स जो बेसिकली है जर्मनी ऑस्ट्रिया ये सारे जो लोग हैं, ये लोग जो हार गए उनके उनको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है क्योंकि वो लोग हार चुके, तो एक पीस ट्रीटी साइन होती है जिसे कहते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इसमें ये सारी बातें लिखी गई है कि तुम उनकी कुछ जगह है, जर्मनी आधा उनकी जगह पे कब्जा हो जाता है, ऑस्ट्रिया की बहुत सारी जगह पे कब्जा हो जाता है, तो ये सारी चीजें होती है। उनके इकोनॉमिकली बहुत सारा लॉस होता है, उनको इकोनॉमिकली उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं, ट्रेड के लिए ऑब्जेक्शंस लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रीटी में लिखी जाती है और वो उनको साइन करनी ही पड़ती है क्योंकि वो हार चुके हैं। दिस पीस ट्रीटी पुट एन एंड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो अगेन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़िए। ये हमने बहुत बड़ा हिस्ट्री का पार्ट हमने लिटरली एक पेज में खत्म किया, वर्ल्ड वॉर वन का पूरा। तो मेरे तरफ से मैंने जितनी स्टोरीज हो सके आपको बताई, लेकिन आप अपने तरफ से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करें, बहुत वास्ट डेटा है, स्मार्ट रीड करें, पॉइंटर्स स्कीम करें, पेजेस विकिपीडिया पेजेस स्कीम करें, कौन सी इंफॉर्मेशन से आपका स्टोरी और स्ट्रांग हो सकता है। ओके, अगेन एवरीथिंग टू मेक श्योर कि आपका ये टॉपिक क्लियर रहे, इसीलिए करना है। ओके, सो फाउंडेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सो अब लीग ऑफ नेशंस क्या है? तो हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर से कितनी तबाही हुई, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, कितना ज्यादा लोगों की जाने गई, रिसोर्सेस गए, कंट्रीज की कंट्रीज पूरी तबाह हो गई, इकोनॉमिकली डैमेज हो गई, इतना सारा इश्यूज हो गया। तो ऐसा और सिचुएशन ना हो उसके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने एक लीग ऑफ नेशंस नाम का एक संस्था बनाने का विचार किया और लीग ऑफ नेशंस बनी। ऑल द नेशंस हु वर इन्वॉल्वड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सीरियसली फेल्ट द नीड टू क्रिएट सम सॉल्यूशन टू अवॉइड एनी सिचुएशन दैट कुड लेड टू अनदर वर्ल्ड वॉर। वुड्रो विल्सन जो तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने डिसाइड किया था कि नाउ वी नीड टू एंटर द वॉर टू एंड द ग्रेटेस्ट वॉर। तो इनके कहने पर वो हम वॉर अमेरिकन वॉर में घुसते। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज अ पीस लविंग एंड आइडियलिस्टिक लीडर। बहुत अच्छे लीडर थे, पीस लविंग थे, इसलिए वो स्टार्टिंग से पहले तो वॉर में इन्वॉल्व भी नहीं थे। ही एम्फसाइज ऑन द नीड ऑफ एन हैविंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लीडिंग नेशंस। अब लीडिंग नेशंस कौन हो गए? जो लोग जीत गए वो ऑटोमेटिकली लीडिंग नेशंस बन जाते हैं। फाइंडिंग पीसफुल सोल्यूशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस एंड एस्टैब्लिशिंग पीस इन द वर्ल्ड। एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज लीग ऑफ नेशंस वॉज एस्टैब्लिश विद दिस ऑब्जेक्टिव। जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड अदर डिफिटेड नेशन वेर नॉट अलाउड टू बिकम मेंबर्स ऑफ लीग। अब हारे हुए लोग को तो मेंबर भी नहीं रखा, तुम इसके हिस्सा नहीं हो, इसका मतलब आगे जाके कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो लीग ऑफ नेशंस पूरी साथ में होगी और इन लोग के खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सकती है। द कंसेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज डिलिबरेटेड बाय अमेरिका एंड येट इट डिड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द लीग। अब ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है जिसका मैंने रीजंस ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ खास मिला नहीं और ना ही कुछ डिटेल से टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ आया कि वो एग्जैक्टली क्या मेन रीजन था। बट अमेरिका ही पुश कर रहा था कि लीग ऑफ नेशंस नाम की चीज हो और वो खुद ही लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं बनता है, खुद ही पर्पसली डिलिबरेटली यानी खुद खुद से। एंड येट इट डिड नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ लीग एज ए रिजल्ट। अब इसमें क्या हो गया? इंग्लैंड फ्रांस को मेन वहां पर मेन रोल मिल गया, रिटेन देयर डोमिनेंस इन द
अब हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के साथ क्या क्या रिलेशन रहा है। तो हम 8.3 टॉपिक कवर करेंगे, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपेल्ड इंडिया वन ऑफ देयर कॉलोनीज टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर। अब उस टाइम पे हम जानते ही कि हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश सरकार का रूल था, तो उन्होंने इंडिया को कॉलोनी को एज अ रिसोर्स यूज किया और बोला कि तुम लोग को वॉर जाना, इसलिए हमारे कितने सोल्जर्स एक्चुअली वर्ल्ड वॉर में जाकर लड़े हुए हैं लोगों से, दूसरी कंट्रीज के लोगों से। ओके, टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड वॉर विदाउट एनी कंसर्न ऑफ विलिंगनेस और अनविलिंगनेस ऑफ द इंडियंस। हमसे पूछा नहीं गया कि यार क्या तुम लोग हमारा हेल्प करोगे या तुम्हारा क्या विचार है या ऐसा कुछ नहीं, बस ट्रूप्स को भेज दिया गया था। इंडिया बिकेम द सोर्स ऑफ प्रोक्योरिंग हेल्प इन फॉर्म ऑफ मनी, फूड, क्लोथिंग एंड अदर वॉर सप्लाइज। तो पूरा रिसोर्स के लिए उन्होंने हमें यूज किया था। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1919 to 20 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया प्रोवाइडेड हेल्प टू इंग्लैंड वर्थ 19 बिलियन, यानी कि 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, 19 करोड़ की हेल्प की थी हमने उस टाइम पे। 1919 to 1920 के टाइम पे हमने हेल्प की थी। तो दैट इज समथिंग दैट इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ वॉर एक्चुअली, जब सब तबाह हो गया था तो वापस से सब कुछ लाने के लिए इतना हमने हेल्प किया। एक बहुत प्यारा सा चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर हमें बताया कि कितने हमारे सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए थे बाय इंग्लैंड टू डिफरेंट कंट्रीज। फ्रांस में हमारे करीब 1,38,000 सोल्जर्स गए थे, ईस्ट अफ्रीका में 47,000 सोल्जर्स गए थे, मेसोपोटामिया में 6 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय किए गए थे, इजिप्ट में 1,44,000, गैलीपोली में 4,000, सैलोनिका में 9,000, एडन में 26,000, ईरानी गल्फ में 49,000। टोटल 10 लाख सोल्जर्स ने ओवरऑल डिप्लॉय किए गए थे बाय इंग्लैंड फॉर द वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड, एंड वो वॉर में डायरेक्ट इन्वॉल्व। 17 ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वेर ऑनर्ड एंड डेकोरेटेड विद विक्टोरिया क्रॉस, अ मेडल गिवन फॉर गैलेंट्री। तो बहुत ही एकदम जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑनर होता है विक्टोरिया क्रॉस, वो दिया गया था हमारे 17 इंडियन सोल्जर्स को उनकी बहादुरी और उनके योगदान के लिए। इंडिया वॉज अ मेजर सोर्स ऑफ इंग्लैंड प्रोवाइडिंग स्किल्ड ह्यूमन पावर एंड वेरियस वॉर सप्लाई सच एज एम्यूनेशन, वेपन्स, टेक्सटाइल, जूट, टेंट, स्मॉल शिप्स, टिम्बर, रेलवे ट्रैक्स एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स। सो ये टाटा स्टील जैसी फर्म्स हमारे यहाँ पे तब हो चुकी थी और उन्होंने और स्टील सप्लाई किया था, एंड काफी कुछ हमारे को पूरी तरह से रिसोर्स के लिए उन्होंने यूज किया हुआ है, टिम्बर, जूट, टेक्सटाइल्स, हर चीज के लिए। टिल द एंड ऑफ 1918 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया सेंट वेपनरी एंड एम्यूनेशन वर्थ 1.4 बिलियन। तो हम जानते ही, ऊपर हमने देखा 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ होता है, दैट इज 140 करोड़ तक का उतना कॉस्टली कॉस्ट हो जिसका उतनी वेपन्स और एम्यूनेशन हमने सप्लाई कर दिया था। वर्ल्ड वॉर वन लेफ्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ वॉर सप्लाइज, सिविल इंडस्ट्रीज, ट्रेड, इकोनॉमिक पॉलिसी, सी एंड लैंड ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फ्यूल सप्लाई, डिफेंस सिस्टम्स एक्सेट्रा। दिस वॉर बोस्टेड इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स ऑफ वॉर वेर मोर एविडेंट इन फील्ड्स लाइक आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कोल एंड माइनिंग इंडस्ट्री। आफ्टर द वॉर वॉज ओवर देर वॉज कंसिडरेबल ग्रोथ इन मोटर ट्रांसपोर्टेशन एंड द नंबर ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो ये अब इकोनॉमिक साइड बता रहा है वॉर का कि हम लोग सिंस सप्लाई कर रहे थे सारी चीजें, तो हमारे यहाँ पे वेपन्स बनने चालू हो गए, हमारे यहाँ पे सब प्रोडक्शन रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट हो रहा है, उसमें से प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही थी, हमारे यहाँ पे ये सारी चीजें कोल माइनिंग इंडस्ट्री ग्रोथ होते जा रही थी, एंड धीरे धीरे मोटर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत और ज्यादा होते जा रहा था। ड्यूरिंग वॉर टाइम्स एंड पोस्ट वॉर पीरियड देर वॉज डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट अमाउंटिंग टू अ लॉस ऑफ 33 करोड़। अब वॉर तो एंड हो गई और इतना सारा प्रोडक्शन तो ऐसी चीज नहीं है कि एक रात में हो गया और हमने सप्लाई कर दिया, राइट? इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्शन चले जा रहा था, और यहाँ पर अमेरिका के आते एक साल में वॉर एंड हो जाता, तो यहाँ इतना सारा जो प्रोडक्शन था वो अगेन उसका कोई मार्केट नहीं बचा और वो पूरा लॉस में चला गया क्योंकि एक्सपोर्ट्स बंद हो गए। 33 करोड़ का लॉस हुआ था अप्रोक्सीमेटली। द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रिड्यूस्ड बट द प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंक्रीज्ड। तो ये भी एक इंपैक्ट हुआ था कि एग्रीकल्चर चीजों का भाव कम हो गया था लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का भाव बढ़ गया था। इंडियन फूड ग्रेन्स वेर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड एंड अलाइड नेशंस। तो जितने भी अब इतने सारे लोग वॉर में इन्वॉल्व है उनको फूड सप्लाई, फूड कहाँ से मिलेगा?
तो इंडिया जो एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था वहां से पूरा ग्रीन्स वगैरह इंग्लैंड और जितने अलाइड नेशंस है, रशिया हो गया, देन यूएसए भी हो गया, लेकिन यूएसए तो बाद में आया, स्टिल जितने और अलाइड नेशंस में आते हैं, फ्रांस हो गया, उन सबको वो सप्लाई होता था। इट कॉज्ड अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रीन्स फॉर द इंडियंस। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना फायदा देख रही थी वहां पर, इंडियंस यहां पर भूखे मर रहे थे। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडियन मार्केट्स बिगेन टू राइज, और हमारे इंटरनल यूजेज के लिए ग्रेन्स नहीं थे, इसलिए ग्रेन्स अगर सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, और डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। इकोनॉमिक वाला कंसेप्ट। द इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड मिक्स्ड इम्पैक्ट ऑन इंडिया। एक तरह से हम बोल सकते हैं मिक्स्ड इम्पैक्ट था, यानी कि पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था। एज फार एज द डिफेंस टैक्टिक्स वेर कंसर्न, द इंडियन सोल्जर्स एंड द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स लर्न अ फ्यू थिंग्स। जहां तक बात है कि एक आर्मी कैसे वॉर करती है, ये सारी चीज की बात है, तो हमने हमारे लोगों ने कुछ चीज इससे सीखी ही थी। दे रियलाइज बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस ऑन द यूरोपियन वॉर फील्ड दैट इंडियन वेपनरी वॉज फार टू लेस सोफेस्टिकेटेड कंपेयर टू अदर नेशंस। हमें पता पड़ा कि हमारे वेपनरी तो कुछ भी नहीं है, बाहर वो लोग कितना एडवांस वेपनरी यूज करना स्टार्ट कर दिए है, कितना एडवांस उनके पास सारी चीजें है। तो ये हमें रियलाइजेशन हुआ कि ओके वी आर वे बिहाइंड इन वेपनरी। सम फैक्टर्स मेड देम अंडरस्टैंड हाउ इंडिया कुड बी कंसिडर्ड बैकवर्ड इन द मैटर्स ऑफ एयरक्राफ्ट, मैकेनाइज्ड वॉर इंस्ट्रूमेंट्स, इन्फेंट्री, मेडिकल फैसिलिटीज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, मिलिट्री ट्रेनिंग, एडिक्वेट शॉर्टेज ऑफ वॉर सप्लाईज एक्सेट्रा। ये सारी बातें हैं, ये सारी रीजंस है जिससे हमें पता पड़ता है कि ओके हम कितने पीछे हैं इस सारी चीजें में। हमारे पास ये सब बेस्ट क्वालिटी का है ही नहीं अभी तक, दूसरे नेशंस कितने आगे एडवांस हो चुके हैं ये सारी चीजों के अंदर। तो ये हमें रियलाइजेशन हुआ। कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर्म्ड अ कमिटी टू ब्रिंग इन इफेक्ट द रिक्वायर्ड चेंजेस। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी तब फील हो गया कि अरे इंडिया में हम लोग ने ये सारी चीजें डेवलप ही नहीं की है, ये सारी चीजें कुछ है ही नहीं जो हमें जरूरत पड़ी वॉर के टाइम पे, जो दूसरे लोगों के पास थी ऑलरेडी। तो वो चीज को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कमिटी एक बिठाई जो ये सारी चेंजेस को लाएगा। दिस कमिटी मेड अ रिपोर्ट रेडी रिकमेंडिंग सम यूजफुल चेंजेस इन द इंडियन मिलिट्री सिस्टम, जिससे हमारे इंडियन मिलिट्री सिस्टम में चेंजेस लाने की बातें शुरू हो गई थी। इन 1917 गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड एंड एडविन सैमुअल मॉन्टैग, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, टुगेदर प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नीडेड इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये दोनों ने, गवर्नर जनरल और वाइस रॉय लॉर्ड जो थे, उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई और उससे उन्होंने बताया कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चेंजेस लाने जरूरी है, तो जाके ये बेटर यहाँ का यूज होगा, रिसोर्सेस का यूज होगा, लोगों का यहाँ पर यूज होगा। अकॉर्डिंगली अपार्ट फ्रॉम सिविल प्रोविजंस अ फ्यू प्रोमिसेस वर मेड विद रिगार्ड टू मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो हमने कुछ सिविल प्रोमिसेस तो किए थे, साथ ही साथ हमने कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की प्रोमिस की थी कि इंडियंस को भी मिलिट्री में नॉट जस्ट सिपॉय, फुट सोल्जर्स का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनको भी पोस्ट मिलेगी, थोड़ी सी हायर रैंक्स की पोस्ट मिलेगी। इट वॉज प्रोमिस्ड दैट इंडियन सोल्जर्स वेर बी पोस्टेड ऑन वेरियस पोजिशन इन द आर्मी विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर कास्ट रेस रिलीजन। उनका कास्ट रेस रिलीजन बीच में नहीं आएगा, बिना भेदभाव के उनको भी पोजिशन मिली जाएगी। अ प्रॉपर रेशियो ऑफ द इंडियन रिक्रूट्स विल बी मेंटेन इन द आर्मी। अ प्रॉपर रेशियो ऑफ द इंडियन रिक्रूट्स विल बी मेंटेन्ड इन द आर्मी। तो हमारे इंडियन रिक्रूट्स जितने थे, अब अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते, कास्ट रेस रिलीजन से बिलोंग करते, तो वो उसका एक रेशियो मेंटेन रहना चाहिए था। ये रेशियो मेंटेन किया जाएगा इंडियन लोगों का इन टू द आर्मी। ऐसा नहीं कि 5 सीटें हैं तो 5 सीटों में से सिर्फ एक ही इंडियन को दी जाएगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन किया जाएगा एंड पोजिशन दी जाएगी। एन अकेडमी इन इंडिया विल बी एस्टैब्लिश सिमिलर टू सैंडहर्स्ट अकेडमी इन इंग्लैंड। तो सैंडहर्स्ट अकेडमी में, वहां पे रॉयल मिलिट्री अकेडमी थी, ब्रिटिशर्स जहां पे ट्रेन होते, तो वहां पर जो जैसा ट्रेनिंग होती, जैसी चीजें होती है, वैसा एक इंडिया में भी अकेडमी बनाई जाएगी। 10 सीट्स इन दिस अकेडमी विल रिमेन रिजर्व फॉर यंग इंडियन कैंडिडेट्स, जिसके अंदर 10 सीट्स तो सिर्फ यंग इंडियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की जाएगी। दोज हु वर ट्रेन इन द मिलिट्री कॉलेज एट इंदौर वुड बी गिवन किंग्स कमीशन। सो किंग्स कमीशन एक बेसिकली टाइटल है कि किंग डायरेक्टली उनको कमीशन करता है, उनको रैंक्स देता है, और वो लोग जो उससे उसके अंडर ट्रेन होते हैं, किंग्स कमीशन के अंडर ट्रेन वाले जो लोग होते हैं, उनको
पूरा एक ट्रूप हैंडल करने मिलता है, भले फिर वो ब्रिटिश का ट्रूप हो, इंडियन ब्रिटिश मिक्स ट्रूप हो, उनको एक पूरा ट्रूप हैंडल करने की जिम्मेदारियां मिलती है। सो किंग्स कमीशन करके जो भी इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होंगे उनको किंग्स कमीशन मिलेगा, ऐसा भी बोला गया था। द कैवलरी विल बी रिड्यूस्ड इन इट्स स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविजनल मिलिट्री यूनिट्स वुड बी एनहांस्ड। इन 1921 अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर मिलिट्री सप्लाईज कॉल्ड गुड्स एंड सप्लाई वॉज ओपन। बिकॉज ऑफ द वॉर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वॉज वाइडन। द इंडियन नेवल यूनिट्स प्रूव दे आर ग्रिट एंड ब्रेवरी इन द वॉर एट पर्जिक गल्फ। तो ओवरऑल 5 लाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगेन दे दी है, ये सब अलग 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 किस्से हैं, इवेंट्स हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आफ्टर द वॉर उन्होंने रियलाइज किया कि कितनी अलग अलग चेंजेस की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, और वो सारे चेंजेस उन्होंने लाए विथ एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू डिपार्टमेंट, गुड्स एंड सप्लाई डिपार्टमेंट एक उन्होंने बना दिया, हमारे इंडियन एयरफोर्स और ज्यादा वाइड, यानी कि और ज्यादा बड़ी हो गई, और ज्यादा उसमें रिक्रूटमेंट होने लग गए, और हमारी इंडियन नेवी ने बहुत ही ब्रेवरी वाला काम करके दिखाया था एट द पर्शियन गल्फ रीजन। लोकमान्य तिलक थ्रू हिज एडिटोरियल पब्लिश इन द न्यूज़पेपर केसरी एंड थ्रू हिज स्पीचेस इंसिस्टेड दैट इंडियन नेवी एंड इंडिया सिग्निफिकेंट पोजिशन इन वर्ल्ड पोलिटिकल सिनेरियो शुड बी ड्यूली एक्नोलेज एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन वाइल अपॉइंटिंग इंडियन मैन ऑन पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। तो इन्होंने, हम जानते ही अभी ये लोकमान्य तिलक की एडिटोरियल केसरी थी, उसमें उन्होंने आवाज उठाई और बोला कि इंडियंस लोग ने जितना हेल्प किया है, जितनी ब्रेवरी दिखाई है, तो अब उनको भी पोजिशन मिलनी चाहिए अथॉरिटी वाली जिसमें वो कमांड कर सकते हैं ट्रूप्स के ऊपर पूरा। लोकमान्य तिलक एंड अदर इंडियन लीडर्स शोड अ पॉजिटिव अप्रोच इन हेल्पिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो लोकमान्य तिलक और बहुत सारे इंडियन लीडर्स तभी ये सही समझते थे कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। दे बिलीव्ड दैट द कोऑपरेशन ऑफर्ड बाय द इंडियन पीपल विल बी बेनिफिशियल टू देम इन फ्यूचर। उनका ये मानना था कि अगर हम अभी हेल्प करेंगे तो बाद में ब्रिटिश सरकार हमारी ये हेल्प को नजर रखते हुए हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और हमारे साथ हमें फ्रीडम इजीली दे देगी। वी गेट टू विटनेस द फार साइटेडनेस ऑफ लोकमान्य तिलक इन हिज अप्रोच ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स, जिससे हमें दूरदृष्टि पता चलती है लोकमान्य तिलक की। इंडिया वॉज फोर्स्ड इन टू द वॉर स्टार्टेड बाय ब्रिटिश इंपीरियल रूल। पंडित जवाहरलाल नेहरू रोट अबाउट इट इन अ लेटर रिटन टू हिज डॉटर इंदिरा। ही सेड दिस वॉज नॉट द वॉर ऑफ इंडिया। इंडिया डिड नीदर हैव एनीथिंग अगेंस्ट जर्मनी नॉर टर्की। However, India did not have any voice in this regard. India was a British colony. It could not but trail its master. तो हम तो स्लेव है और हम कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि मास्टर जो बोल रहा है वहां पर हम चलते रहे, मास्टर की राह पे चलते रहे। तो ये एक ऐसा लेटर्स जब जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखते थे उसमें उन्होंने ये बात भी एक बार मेंशन की थी ऐसी। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली पुअर, देर वॉज नो डर्थ ऑफ कैंडिडेट्स विलिंग टू एंटर द आर्मी। अबाउट 11 लाख ऑफ हिंदी सोल्जर्स फॉट इन द वॉर। हिंदी सोल्जर्स प्रोवाइडेड अ कंसिडरेबल सपोर्ट टू ब्रिटिश आर्मी। बिसाइड्स इंडिया ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड 150 करोड़ ऑफ रुपीज टू द वॉर एक्सपेंसिस। तो हमने ऊपर उसका ब्रेकडाउन देखा ही था, करीब 11 लाख सोल्जर्स हमारे वॉर में इन्वॉल्व थे और 150 करोड़ का हम एक्सपेंस उठा चुके थे ब्रिटिश आर्मी के। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर इंडियन पीपल बिगिन टू माइग्रेट टू कैनेडा एंड अमेरिका। ये वो भी वक्त था जब बहुत सारे लोग कैनेडा अमेरिका माइग्रेट हो चुके थे। द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा वॉज हेविली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट रिजेक्टेड एंट्री टू इंडियन माइग्रेंट्स। तो सिंस अब लोग जो भग रहे थे, अब ब्रिटिश नहीं चाहती कि वो लोग जाए, वो लोग यहाँ पर रहकर हेल्प करें इन टू द आर्मी। तो उन्होंने कैनेडा जो ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में थी उनके कहने पर कनाडा ने उनको एंट्री नहीं दी, एक पूरी शिप रिटर्न आई थी वहां से, स्ट्रीम शिप रिटर्न आई थी। इट डिड नॉट अलाउ कामागाटा मारू, ये स्टीम जो शिप है उसका नाम स्टीम शिप विद इंडियन माइग्रेंट्स अब्रॉड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा गुरदित सिंह टू एंकर इन द कैनेडियन पोर्ट ऑफ वैंकोवर। तो वहां पर से कैनेडा में एक जगह है वैंकोवर, वहां से उनको रिटर्न भेज दिया गया था, उनको नहीं एंट्री की दी गई थी। पीपल ऑन दिस शिप रिटर्न ऑन द रिटर्न जर्नी कामागोटा मारू रीच द पोर्ट ऑफ बजबज नियर कोलकाता। अब ये रिटर्न आई और कोलकाता पहुंच गई। देयर द ब्रिटिश ऑफिसर्स ऑर्डर्ड इंडियन पैसेजर्स टू रिटर्न इमीडिएटली टू देयर ओन टाउन्स एंड विलेजेस। और ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला चुपचाप अपने अपने गांव और जहां जहां से तुम लोग यहाँ पे इसमें आए थे वापस चले जाओ। हाउएवर द इंडियंस डिड नॉट फॉलो द ऑर्डर, सो द ब्रिटिश ऑफिसर्स बिगेन टू शूट
एंड 30 इंडियन पैसेंजर्स डाइड इन इट। और उन्होंने ब्रिटिशर्स जो बहुत ही कुछ ऑफिसर बहुत ही ज्यादा क्रूअल वे में डील करना जानते थे, उनको अगर जब अपनी बात मनमानी नहीं आती थी तो वो इस तरह से डील करते थे, तो उन्होंने शूट करना स्टार्ट कर दिया और 30 लोग मारे गए थे। दिस क्रूएल्टी ऑन पार्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स क्रिएटेड अ पब्लिक आउटक्राई थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में सबको बहुत ही ज्यादा इसमें गुस्सा आ चुका था और सबने उस चीज को बहुत ही ज्यादा बुरा ये बोला था कि बहुत ही बुरा हुआ करके। सो नाउ ये एक पैराग्राफ हम बाद में कवर करेंगे। अब हम ऊपर फिर से जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हमने देख लिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के साथ, अब हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हादसे कुछ ऐसी हादसे हो जाते हैं जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है। सो लेट्स इट मींस जो लीग ऑफ नेशंस है वो फेल हो गई, लीग ऑफ नेशंस पीस मेंटेन नहीं कर पाई। और ये वॉर हिटलर जर्मनी अगेन हिटलर ने स्टार्ट की थी एक तरह से, और ये वो टाइम था जब नाजिज्म बहुत पीक पे आ चुका था, और वो पूरा हिटलर ने एक किताब लिखी थी मेन कैम्प करके, माई स्ट्रगल करके, जेल में बैठे बैठे और लोगों को मोटिवेट कर दिया था कि जर्मनी ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, कितना ज्यादा हम सह रहे हैं, इकोनॉमिक एट्रोसिटीज सह रहे हैं हम सारे, हम कितना सारा झेल रहे ये सारी बातें, इसलिए हमें लड़ना चाहिए, हमें हमें पावर ग्रैब करना चाहिए। ऐसे कर करके वो पॉलिटिकल रैंक में आते हैं और जर्मनी पे जैसे ही वो जर्मनी का पूरा मोनार्क बनते हैं, डिक्टेटर बनते हैं, वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव टू बी मोर डिस्ट्रक्टिव देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वॉज सर्टनली मोर एक्सटेंसिव देन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स वॉरफेयर वॉज टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस। अब हम लोग टेक्नोलॉजी वाइज हमने फर्स्ट वर्ल्ड से बहुत सारी चीजें सीख ली थी और इसलिए हम लोग ने वेपन और बेटर करने के लिए स्टार्ट कर दिया था रेस, और अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी आ चुके थे। अमेरिका न्यूक्लियर वेपन का इजाद कर चुका था, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे, ये सारी चीजें हो चुकी थी और जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। सो कॉजेज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द लीग ऑफ नेशन इंटेंडेड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नेशंस। द नाजीज अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर ग्रैब द पावर इन जर्मनी। हिटलर बिगेन टू एस्केलेट जर्मनीज मिलिट्री पावर सो एज टू एवेंज द डीमिनिंग कंडीशंस इम्पोज ऑन जर्मनी बाय द वर्सेलिस ट्रीटी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से जो बुरा हाल था जर्मनी का, हिटलर ने उस बात का फायदा उठाते हुए सारे जर्मन्स को नाजिज्म के अंडर लाया और उनको ये भड़का के रखा कि हम सुपीरियर रेस है। नाजिज्म इज अपने आप को बहुत सुपीरियर रेस समझना, जूज लोग को बहुत नीच समझते थे वो लोग, और उनको बकायदा बहुत ज्यादा उन्होंने मारा है, पॉइंट ब्लैंक मरवाया है, मास मर्डर करवाया है जूज लोग का, एंड अपने रेस को बहुत वो हायर समझते थे और बाकी सब पे वो कब्जा करना चाहते थे। ये सारे नाजिज्म के फीचर्स है। सो हिटलर ने नाजिज्म के पावर के लेते हुए पूरे जर्मनी पे कब्जा कर लिया, पूरी मिलिट्री कमांड उनके अंडर आ चुकी। ही फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मिलिट्री एज वेल एज नेवी। मीनवाइल सोवियत रशिया अ कम्युनिस्ट नेशन वाज बिकमिंग मोर पावरफुल। दूसरी तरफ सोवियत रशिया जो था वो भी एक कम्युनिस्ट नेशन, जो हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ चुके हैं कम्युनिज्म के बारे में, वो सोवियत रशिया भी अपना पावर पावरफुल होते जा रहा था। इट मेड द नेशंस लाइक इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस अनईजी। इससे ये लोग अमेरिका इंग्लैंड फ्रांस ये लोग थोड़े अनईजी होते थे कि यार ये लोग इतने पावरफुल होते जा रहे हैं। सोवियत रशिया एंड इंपीरियलिस्ट जर्मनी व्यूड ईच अदर एज आर्च एनिमीज। एक दूसरे के एकदम कट्टर दुश्मन थे रशिया और जर्मनी। कीपिंग इन दिस व्यू इंग्लैंड एंड फ्रांस इग्नोर्ड जर्मनीज एडवांसेस थिंकिंग दैट इट विल कंट्रोल कीप सोवियत रशिया इंक्रीजिंग पावर अंडर कंट्रोल। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भले रशिया इंग्लैंड फ्रांस साथ में थे लेकिन सोवियत रशिया का इंक्रीजिंग पावर देख के ये लोग अनईजी फील करते थे, इसलिए जब जर्मनी पावर में आ रहा था थोड़ा सा तो उन्होंने उसको पावर में आने दिया, बीच में कुछ इंटरफेयर नहीं किया, ये सोच के कि रशिया को कंट्रोल में रखने वाला ये सही रहेगा। लेकिन हिटलर के तो प्लान्स एकदम गजब ही थे, जिसने पूरी तबाही ऐसी चालू की और इतना इविल चीजें चालू किया, लोगों को सरेआम मारना, जिसकी वजह से कोई चुप नहीं बैठ सका और वॉर इनएविटेबल हो गई थी। इन 1938 हिटलर वन द सुडेटन प्रोविंस इन चेकोस्लोवाकिया। उसने अब आसपास के कंट्रीज पे
कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें चेकोस्लोवाकिया का जो प्रोविंस है उस पर कब्जा कर लिया था, विच वॉज पॉपुलेटेड इन मेजोरिटी बाई पीपल ऑफ जर्मन ओरिजिन। अब वो इजिली वो ज्यादा क्यों और वो करना भी क्यों चाहते थे, क्योंकि वहां पर जर्मन ओरिजिन के ज्यादा लोग थे। इन 1939 ही अटैक पोलैंड, और 1939 में उन्होंने पोलैंड पर हमला कर दिया। एक्चुअली पोलैंड वॉज लुक्ड अपॉन एज अ न्यूट्रल कंट्री बाय ऑल यूरोपियन नेशंस। पोलैंड हमेशा न्यूट्रल रहा है, उसने कभी किसी को यही नहीं किया, किसी के एक के साथ गया ही नहीं है वो। इन स्पाइट ऑफ दिस, ये जानने के बावजूद हिटलर अटैक एंड कॉन्कर्ड पोलैंड, देयरफॉर इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट जर्मन। तो अब जैसे ही हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, उसके जवाबी हमले में इंग्लैंड अब घुस गया, बोला कि ये गलत हुआ, और इंग्लैंड ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। ग्रेजुअली जर्मनी बिगेन टू ग्रैब लैंड्स ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज इन बिट्स एंड पीसेस। वो आसपास का अपना एरिया बढ़ाते जा रहा था, कॉन्करिंग करते जा रहा था, जो वो आधा ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के वजह से लूज भी कर चुका था पहले, तो वो और अब वो वापस से और रिकैप्चर करके एक्स्ट्रा लैंड कैप्चर करते जा रहा था आसपास के सारे कंट्रीज से। इट हैड ऑलरेडी वॉन पोलैंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वॉर, तो पोलैंड पे तो ऑलरेडी कब्जा हो ही गया था। डेनमार्क सरेंडर टू जर्मनी, डेनमार्क जो छोटा सा अगेन कंट्री, उसने तो सरेंडर ही कर दिया, भाई ठीक है आ जाओ कर लो जो करना है कर लो। सो डिड नॉर्वे, नॉर्वे ने भी सरेंडर कर दिया जर्मनी को। इन अ शॉर्ट टाइम जर्मनी कॉन्कर्ड हॉलैंड, बेल्जियम एंड इट्स आर्मी मार्च टूवर्ड्स पैरिस। तो धीरे धीरे मैप में आप देखिए ऊपर का पूरा ये कब्जा हो चुका है, वो पैरिस की तरफ फिर से, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वही कर रहा था, बेल्जियम पे कब्जा करके वो पैरिस की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे भी उसका वही प्लान था कि फ्रांस पे कब्जा कर दें। जर्मनी कॉन्कर्ड फ्रांस टू, और उसने फ्रांस पे भी कब्जा कर दिया। इन मे 1940 इट अटैक्ट इंग्लैंड बाय असल्टिंग द ब्रिटिश प्लाटून्स प्रेजेंट एट डनकर्क। तो डनकर्क करके, डनकर्क मूवी भी बनी है, बहुत ही बेहतरीन, क्रिस्टोफर नोलान वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, उनकी मूवी है डनकर्क, जरूर देखिएगा। उसमें ये पूरा हादसा उन्होंने बताया हुआ है कि जो ब्रिटिश प्लाटून्स थे उस पर्टिकुलर आइलैंड, जो कंट्री कोस्टल कंट्री पे, वहां पर जर्मनी अटैक कर देती है, एंड बहुत ही बुरा, मतलब ये इसका फिर इम्पैक्ट आता है और फिर पूरा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। सो इन मे, ये कब हुआ था, मे 1914 इट अटैक्ट इंग्लैंड बाय असल्टिंग द ब्रिटिश प्लाटून्स प्रेजेंट एट डंकर्क। इंग्लैंड विद ग्रेट कॉशन मूव्ड आउट 2.5 लाख ऑफ इट्स सोल्जर्स फ्रॉम डंकर्क। बड़ी सावधानी से उन्होंने वहां से अपने 2.5 लाख सोल्जर्स जो वहां पे प्रेजेंट थे उनको वहां से निकलवाया। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री दिस इंस्टेंस बीटिंग ऑफ अ सक्सेसफुल रिट्रीट इज वन ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट्रीट माना जाता है, मतलब जिसपे हमला हो गया और अब ये बड़ी सावधानी से इतने लोग वहां से निकल पाए, ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल रिट्रीट माना जाता है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड विंस्टन चर्चिल, जो इंग्लैंड के कर्ता धर्ता थे तभी के, बहुत ही पावरफुल पर्सन अगेन, हैड टेकन ओवर कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेविल कैम्बरलेन्स रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट। तो नेविल कैम्बरलेन रिजाइन कर देते हैं, फेल हो जाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे वॉर में, और विंस्टन चर्चिल पूरा आप कब्जा ले लेते हैं और वो पूरा पावर संभालते। इन 1939 हिटलर वायलेटेड द नॉन अग्रेशन पैक्ट मेड विद स्टालिन एंड अटैक्ट सोवियत रशिया। सो अब नॉन एग्रेशन पैक्ट एक साइन किया था रशिया और जर्मनी ने। हिटलर ने तब सोचा था कि मैं दो तरफ से वॉर लड़ नहीं पाऊंगा पहले, तो उसका प्लान था कि पहले मैं फ्रांस वगैरह सब कैप्चर करूंगा और सोवियत रशिया से बाद में निपटूंगा। तो इसलिए उसने सोवियत रशिया के साथ एक पैक्ट बना दिया था, नॉन एग्रेशन पैक्ट, और उसके तहत उसने फिर पोलैंड पे हमला कर दिया था, और पोलैंड में भी सोवियत रशिया हाफ अपने ट्रूप भेज चुके थे, और इस तरह से पोलैंड पूरा कैप्चर हो गया था, जिसके बाद सारे लोग वॉर में उतरे थे। तो पहले तो रशिया के साथ उसने नॉन अग्रेशन पैक्ट रखा, लेकिन बाद में जैसे ही देखा कि उसने मैक्सिमम कैप्चर कर लिया है, जर्मनी ने मैक्सिमम पावर गेन किया है, तो उसने रशिया के साथ ही दगाबाजी की और रशिया के ऊपर अटैक घोषित कर दिया, एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ नॉन अग्रेशन पैक्ट। वाइल द नाजी आर्मी वॉज मार्चिंग टूवर्ड्स स्टालिनग्राद, स्टालिनग्राद बेसिकली जो एक तरह से हम बोल सकते हैं अपने यहाँ पे दिल्ली पार्लियामेंट हो गया, वैसा रशिया में स्टालिनग्राद के टूवर्ड्स मेन सेंटर हमेशा कैपिटल कैप्चर करना होता है जगह का, राइट? तो हम बोलेंगे कि हमें कैप्चर कर लिया, इसीलिए फ्रांस में भी वो पेरिस की तरफ जाना चाहता है हमेशा, राइट? मार्चिंग टूवर्ड्स पेरिस। सो यहाँ पर वो मार्चिंग टूवर्ड्स स्टालिनग्राद जा रहा था। रशियन आर्मी वॉज ऑन अ रिट्रीट, तो रशिया, अब रशियन आर्मी पीछे हटते जा रही थी क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल आते जा रहे थे, तो ये नाजी लोग उनको और फॉलो करते जा रहे थे टुवर्ड्स स्टालिनग्राद। इन द मंथ ऑफ
नवंबर 1943। नाउ यू नीड टू नो, यहाँ पर अब कुछ चीजें बहुत जरूरी है कि यहाँ पे रशिया कोल्ड कंट्री है पूरा, वहां पर विंटर्स होना यानी बहुत ही भयंकर विंटर्स होती है यहाँ पे, स्नोफॉल एंड एवरीथिंग, राइट। सो नवंबर का टाइम अब आ जाता है और ये लोग हिटलर की आर्मी, जर्मनी नाजी आर्मी जो है वो पूरी रशिया में घुसी हुई है, टूवर्ड स्टालिनग्राड जा रही है, ठीक है। ऑन रीचिंग स्टालिनग्राड 3 लाख सोल्जर्स ऑफ अनसस्पेक्टिंग नाजी आर्मी वेर कॉट इन द ट्रैप सेट बाय द सोवियत आर्मी। सोवियत आर्मी का ये ट्रैप ही था कि उन्होंने रिट्रीट किया, उनको अंदर आने दिया और उन्होंने उनको कब्जा कर लिया था, इनके फूड सप्लाई बंद कर दिए गए थे और वो ठंडी के मारे, उनको आदत भी नहीं थी नाजीज वालों को टू बी इन द रशियन लैंडस्केप, सो ये ट्रैप में फंस गए थे। सोवियत रशिया डिफिटेड द जर्मन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मार्शल जॉर्जी जुखोव, तो इनके लीडरशिप के अंडर जर्मन्स को हरा दिया गया था। आर्मीज ऑफ अलाइड नेशंस टुक ओवर बर्लिन। तो अब ये बहुत फास्ट, अगेन ये बहुत फास्ट पूरा, ये सब बहुत टाइम वाले इवेंट्स है, बहुत फास्ट हो रहा है ये पूरा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। सो अलाइड नेशंस और एक्सिस पावर्स यहाँ पर अगेन ये हो गए थे। अलाइड नेशंस कौन कौन थे? फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए बाद में अगेन इन्वॉल्व होने वाला है इसके अंदर, तो ये हमारे अलाइड नेशंस है, रशिया अलाइड नेशंस है। एक्सिस यानी कि जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे एक्सिस ग्रुप बन चुके, तो अगेन दो ग्रुप भिड़ रहे थे आपस में, अलाइड नेशंस एंड द एक्सिस पावर्स। तो इस बार याद रखना, इटली जर्मनी के साथ अगेंस्ट ऑल दिस पीपल है जो पहले इटली इंग्लैंड और रशिया के साथ था, ओके। सो हिटलर अभी ये एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो गया, आर्मीज ऑफ अलाइड नेशंस टुक ओवर द बर्लिन। अब बर्लिन, बर्लिन कहाँ पे आता है? जर्मनी, तो बर्लिन पे कब्जा कर दिया एंड हिटलर वेंट टू अंडरग्राउंड एग्जाइल एंड कमिटेड सुसाइड। हिटलर ने 30 अप्रैल को सुसाइड कर लिया था जैसे ही देखा कि सोवियत रशिया एंड बाकी सारे अमेरिकन भी अब इन्वॉल्व हो चुके थे बाय दिस टाइम, इंग्लैंड, ये सारे आर्मीज अब आ चुकी थी, लैंड रिटर्न ग्रैब्स हो गए थे, वापस सारी चीजें ग्रैब कर ली थी उन्होंने कंट्रीज को, एंड टूवर्ड्स जर्मनी में घुस गए थे एंड सोवियत रशिया यहाँ पे पूरी तरह से अंदर आ चुका था। हिटलर ने सुसाइड कर लिया था अपनी वाइफ के साथ एंड वो हाथ नहीं आना चाहते इन लोग, ये लोग। बिफोर दिस हैपेंड मुसोलिनी वाज आल्सो डिफिटेड एंड डाइड। मुसोलिनी इटली का जो फैसिस्ट लीडर था, जैसे हिटलर वाज द लीडर ऑफ जर्मनी, वैसे मुसोलिनी वाज द लीडर ऑफ इटली। द नाजी सोल्जर्स इन नॉर्थ अफ्रीका हैड आल्सो सरेंडर, इन्होंने भी सरेंडर कर दिया था। फॉर एडिशनल इन्फो, फैसिज्म क्या होता है, नाजिज्म क्या होता है, तो ये अगेन ये पढ़ लेते हैं सिंस ये रिलेटेड है। फैसिज्म, फैसिज्म क्या आइडियोलॉजी? इट इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच डज नॉट बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी पे मानते नहीं है, ये लोग डेमोक्रेसी पे नहीं मानते हैं, लिबरलिज्म पे नहीं मानते, इंडिविजुअल फ्रीडम पे नहीं मानते, ये लोग एक ही जन रूल करेगा, मोनार्क, डिक्टेटर, उस पर ये लोग मानते हैं। फैसिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैसिस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ओवर बेनिटो मुसोलिनी, जिसका अभी हमने नाम पढ़ा, एन इटालियन लीडर एंड लेटर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली बिल्ड अ मूवमेंट विच ही नेम फैसिज्म, अपोजिशन टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर फोकस ऑन एक्शन, अब्सोल्यूट पॉलिटिकल अथॉरिटी, पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, एक ही जगह पे कंट्रोल होना चाहिए, एग्रेसिव नेशनलिज्म होना चाहिए, जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर एंड वायलेंस, हमें हक है वॉर करने का, वायलेंस करने का, एंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैसिज्म, ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक है। नाजिज्म क्या आइडियोलॉजी है? तो ये वैसी ही कुछ है, सिमिलर टू दैट, बट इसमें खाली उसने ज्यूज लोग को इविली मारा, ये वाला चीज एक एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, दैट इज वाई अ डिफरेंट टर्म नाजिज्म, एन आइडियोलॉजी गिवन बाय हिटलर। नाजिज्म इज एन अ वे ऑफ स्लाइटली डाइवर्स फॉर्म ऑफ फैसिज्म। नाजिज्म गिव मोर इंपॉर्टेंस टू रेसिज्म, यहाँ पे उसने रेसिज्म को ज्यादा सपोर्ट किया था कि वी आर द सुपीरियर रेस, बाकी सारे नीच जात के हैं उनको मार डालो। नाजिज्म गेव मोर इंपोर्टेंस टू रेसिज्म। द जेनोसाइड ऑफ यूरोपियन जूज इन जर्मनी बाय हिटलर हैड इट्स रूट्स इन रेसिज्म। इट मे बी सेड दैट नाजिज्म वाज अ एक्सट्रीमली एग्रेसिव करप्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फासिज्म। तो फासिज्म का अगर करप्ट फॉर्म की बात करें, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म की बात करें, तो नाजिज्म जन्म लेता है, ऐसा वो कह रहे। जापान एंटर्ड इन द वॉर इन सपोर्ट ऑफ जर्मनी इन 1941। जापान अटैक पर्ल हार्बर एंड डिस्ट्रॉयड अमेरिकन नेवल बेस। सो अगेन अमेरिका अब तक डिबेट में ही था कि हमें वॉर में हिस्सा लेना है नहीं लेना है, और वो खाली सप्लाई कर रहा था, जितना सपोर्ट हो सकता है सपोर्ट कर रहा था टू इंग्लैंड, फ्रांस एंड द अलाइड नेशंस, लेकिन खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। जापान
जर्मनी के साइड आते हुए, जर्मनी को सपोर्ट में रखते हुए, उसने अमेरिकन नेवल बेस है, पर्ल हार्बर करके एक जगह है, वहां पर अमेरिका का नेवी बेस है, उस पे उसने सरप्राइज अटैक कर दिया। और ये बहुत, इसके ऊपर काफी अच्छी मूवीज भी बन चुकी है। पर्ल हार्बर बहुत प्यारी मूवी है, देखिएगा जरूर। उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा वो रोमांटिक एंगल भी दिया हुआ है, लेकिन अगेन वेरी नाइस मूवी, जरूर देखिएगा पर्ल हार्बर। सो पर्ल हार्बर पे उन्होंने अटैक कर दिया, बहुत सारे इनोसेंट, 2000+ इनोसेंट लोग जब मर गए, तो पूरा अमेरिकन पब्लिक, अब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वॉर कर दो, कर दो वॉर, कर दो, लेट्स गेट इन टू द वॉर। और इस तरह से अमेरिका वॉर में आती है, और फिर जो होता है वो बहुत ही दुनिया का सबसे वर्स्ट चीज होती है, और दैट इज द एटॉमिक बॉम्ब अटैक। तो इसीलिए अमेरिका ने बदले में ही जापान के दो सिटीज पे, हिरोशिमा नागासाकी पे, एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर अटैक किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक किया था। सो दिस रिजल्ट इन अमेरिका डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट जापान। Thus, the war field of Second World War expanded further. Later, Japan went on capturing the regions of Philippines, Myanmar, Malaya, Malaya means Malaysia, and Singapore. In addition, Japan even marched up to Assam, Arakan, and Imphal. तो हमारे इंडिया तक आ चुके थे, अगर आपको पता होगा तो ब्रिटिश आर्मी जिसके अंदर इंडियन सोल्जर्स ही थे, ऑफ कोर्स वो लोग जापान से लड़ते थे, रंगून में वॉर होती थी, ये सारी चीजें होती थी, जापान ट्रूप से हम लड़ते थे, ये हम कुछ पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। अभी हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंडिया में भी ये बात फिर से पढ़ेंगे। दिस ड्रोव द ब्रिटिश टू एक्ट अगेंस्ट जापान्स अग्रेशन। व्हेन जापान सीम टू हैव बीन गोइंग अहेड अनडॉन्टेड विद देयर अग्रेसिव पॉलिसीज, अमेरिका लॉन्च एरियल अटैक्स टू टू जापानीज सिटीज विद एटम बॉम्ब्स, फर्स्ट ऑन हिरोशिमा एंड देन नागासाकी। एट लास्ट जापान सरेंडर, और फाइनली उसको सरेंडर करना पड़ा, सरेंडर ऑन 15 अगस्त 1945। 15 अगस्त 1945 को सरेंडर करवा, और इसी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है। सो अगेन बहुत बहुत ज्यादा वास्ट हिस्ट्री को हमने बहुत छोटे पैराग्राफ में कंप्लीट किया है। सो प्लीज रिसर्च ऑन योर ओन, रीड करिए, आर्टिकल्स रीड करिए, बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। सिंपली सिलेक्ट अ पर्टिकुलर, जो लाइन के बारे में आपको जानना है सिलेक्ट करो, एंड जस्ट राइट क्लिक सर्च और आस्क को पायलट, आपको बहुत अच्छी डिटेल्स मिलेंगी। ओके, सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया के साथ इंपैक्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। सो अब चलेंगे टूवर्ड्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंपैक्ट, उसके पहले एक पैराग्राफ जो छोड़ा था वो देखेंगे। अब ये ज्यादा सेंस बनेगा कि अब जर्मनी की हम क्यों इतना बात कर रहे थे। सो जर्मनी वॉज अ कंट्री विच प्रमोटेड नेशनलिज्म। अब जर्मनी नेशनलिज्म के नाम पे वो ये सारी हरकतें कर रही थी, लोगों पे हमला कर रही थी, लेकिन इंडिया के नेशनलिज्म और जर्मनी के नेशनलिज्म में क्या फर्क है, वो एक पैराग्राफ इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि नेशनलिज्म होना जरूरी है, लेकिन नेशनलिज्म किस फॉर्म का होना ये बहुत जरूरी है। सो जर्मनी वॉज अ कंट्री विच प्रमोटेड नेशनलिज्म। इंडिया ऑल्सो was greatly influenced by nationalism. However, it is important to understand the fundamental difference between Germany nationalism and Indian nationalism. Germans were out to conquer other countries. Their aggression for making their own country most powerful and the biggest in the world, whereas the nationalism of the Indians was making them fight for regaining their independence. तो दोनों के अंदर फर्क ये है कि जर्मनी दूसरों पे कब्जा करना चाहती थी, दूसरों पे कंट्रोल करना चाहती थी, इंडिया बस खुद की फ्रीडम वापस लेना चाहती थी, खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती थी, दूसरों पे कब्जा हम नहीं करना चाहते थे कभी। ये फर्क है नेशनलिज्म में दोनों की। द इंडियन नेशनलिज्म वाज अ बेस्ड ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। कंट्रीज लाइक एबिसिनिया, स्पेन, चाइना वेर पुटिंग अप स्ट्रगल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। इंडियंस वेर सेंडिंग हेल्प टू दोज कंट्रीज इन फॉर्म ऑफ टीम्स ऑफ नर्सेस, वॉलंटियर्स एंड फूड ग्रेन्स। तो हमारे यहाँ से बहुत लोग जाते थे वहां पर हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। जर्मनी वॉज स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय रेसिज्म। हिटलर हैड किल्ड इन्यूमरेबल यूरोपियन जूस। उसने बहुत जेनोसाइड एंड गैस बॉम्बिंग एंड बहुत कुछ किया था, जिसमें उसने बहुत सारे इनोसेंट जूस लोग को मारा। और बहुत प्यारी प्यारी अगेन मूवीज बन चुकी है इस कंसेप्ट के ऊपर, मूवीज काफी प्यारी है, लेकिन ये सारी इंसिडेंट्स बहुत ही ईविल है। सो बाय प्यारी आई मीन मूवीज बहुत प्यारी है। सो मूवीज देखिएगा ताकि आपको हिस्ट्री मिले, इसके बारे में जानने मिले। एंड एक मूवी मुझे याद आ रही है, लाइफ इज ब्यूटिफुल। मैंने बहुत पहले जब मैं बहुत यंग था, बहुत छोटा था, तब मैंने ये देखी थी मूवी लाइफ इज ब्यूटिफुल, जिसके अंदर ज्यूइज कैंप
में एक फैमिली है और फादर एंड उसका बेटा फंस जाते हैं, तो वो लोग कैसे उसमें रहते हैं, वो सारी चीज उसमें कवर की गई है। तो वो देखिएगा अगर आपको मूवीज में इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। सो एंड हिस्ट्री में इंटरेस्ट होना ही चाहिए बाय द वे। सो हिटलर हैड किल्ड इन्यूमरेबल यूरोपियन ज्यूज, हाउएवर इन इंडिया पीपल ऑफ वेरिड रिलीजन रेस कास्ट वेर स्टेइंग टूगेदर फ्रॉम एजेस। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन नेशनलिज्म विच कन्फर्म्स इट्स मैग्नामिटी, मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी विच कन्फर्म्स इट्स मैग्नानिमिटी, मतलब इतनी महानता बताता है हमारी। सो ये हमने नेशनलिज्म का फर्क देखा। ये यहाँ पर मैं आपको इसमें बात लिंक करना चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस अगर आपको याद होगा तो वो हिटलर के पास मिलने गए थे टू टेक हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश ब्रिटिशर्स। सो ये वो एग्रेसिव नेशनलिज्म की तरफ चले गए थे सुभाष चंद्र बोस, और जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी, मतलब कि टू हेल्प देम, और वो एक तरह से चाहते थे कि ब्रिटिश रूल उस तरह से चला जाए हमारे तरफ। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म ऑफ इंडिया एंड नेशनलिज्म ऑफ जर्मनी। अब देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया का क्या रिलेशन रहा है उसके बारे में। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग द 1939 टू 45 कॉमन एरा। दिस पीरियड इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन द वॉर एपिसोड हैपनिंग इन नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इराक, ईरान, ग्रीस, म्यांमार एंड मलेशिया। मलाया मीन्स मलेशिया। इस जगहों पर जहां जहां वॉर का चीज चल रहा था वहां पर इंडिया इन्वॉल्व था। हाउएवर इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द रिहैबिलिटेशन ऑफ मलेशिया, इंडोनेशिया एंड चाइना आफ्टर द वॉर वाज ओवर। तो हमने ऑलरेडी देखा कि हम नर्स वॉलंटियर्स सप्लाई फूड ग्रेन्स वगैरह करते थे इस जगह को फिर से रिहैबिलिटेशन करने के लिए। इंडियंस इन द एयरफोर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया पार्टिसिपेट इन द वॉर एट आसाम, म्यांमार, वाइल इंडियंस इन नेवी ऑफ ब्रिटिश इंडिया फॉट इन द नवल वॉर इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो ये हमें बता दिया कि एयरफोर्स किस तरफ फाइट कर चुका है हमारा, नेवी किस तरफ फाइट कर चुकी है हमारी। इंग्लैंड एक्सप्लॉइटेड इंडिया एंड इट्स रिसोर्सेज हेविली टू अचीव विक्ट्री इन इट्स वर्ल्ड वॉर। तो हम ये जानते ही है कि इंग्लैंड ने हमारा पूरी तरह से फायदा उठाया वॉर्स जीतने के लिए। इंडिया बाई इटसेल्फ डिड नॉट हैव एनीथिंग टू गेन फ्रॉम द वॉर, बट इट वॉज पुल्ड इन फोर्सफुली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगेन ये बात एक तरह से रिपीट हो गई यहाँ पर कि हमें पर्सनली कोई वर्ल्ड वॉर में कोई काम धंधा ही नहीं था हमारा, लेकिन ब्रिटिश इन्वॉल्व थी, और ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, और इंग्लैंड इन्वॉल्व थी इसलिए हम भी इन्वॉल्व हो चुके। ब्रिटिश फॉट देयर वॉर फ्रॉम द इंडियन लैंड, फॉर देम इंडिया वॉज देयर कॉलोनी एंड दे टुक इट इन देयर राइट टू यूज इट्स रिसोर्स सोर्स फॉर सप्लाइंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, क्लॉथ, अदर कमोडिटीज ऑफ डेली यूज टू देयर अलाइड नेशंस। देयर वॉर सप्लाइज एंड फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड डायनामाइट। अब इस बार क्या क्या हमारे तरफ से जाता था, हमने फर्स्ट वॉल से कुछ चीजें सीखी थी, ब्रिटिश सरकार ने चेंजेस लाए भी थे। सो अब हमारे तरफ से क्या क्या जाता था, डायनामाइट, टैंक्स, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर शिप रिपेयरिंग, स्टील पाइप्स, स्टील बार्स, अदर मटेरियल्स फॉर लेइंग रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन बोगीज। अब आप समझिए बार बार रेलवे ऊपर भी एक बार आ गया था, तो रेलवे ट्रैक्स का इसमें क्या है, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, लोग, ट्रूप्स एक जगह से दूसरी जगह हर जगह चल चल के थोड़ी पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, रेलवे ट्रैक्स के थ्रू पहुंचेंगे फास्ट एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी थी, इसलिए रेलवे ट्रैक्स का हर जगह पे पहुंचना बन जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो हमारे यहाँ पे हो चुका था। बोगीज, वुड, टेलीग्राफ पोस्ट, स्मॉलर वॉरशिप्स, स्टीम शिप्स, फूड ग्रेन्स, क्लोथ, टेंट, शूज, मेडिसिन, एक्सप्लोजिव, एम्यूनेशन एंड सच थिंग। तो इस बार हमने कुछ एक्स्ट्रा ही चीजें सप्लाई की थी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिश सेवरल फैक्ट्रीज इन इंडिया टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ दीज मटेरियल्स। हमारे यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज बनी थी ये सारी सप्लाई को प्रोवाइड करने। अब लास्ट पार्ट देखेंगे चैप्टर का, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स ऑन इंडिया। ओवरऑल पूरा आप देखेंगे कि क्या इंपैक्ट गिरा हुआ है। ड्यूरिंग वॉर टाइम इंग्लैंड फेल्ट एन इंक्रीजिंग नीड फॉर मैन पावर एंड मनी। हम ये जानते ही है कि उसे अब मैन पावर चाहिए, मनी चाहिए। देयरफॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन रिक्रूटिंग आर्मी पर्सनल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से आर्मी का रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया था। एट टाइम्स द रिक्रूटमेंट वॉज एनफोर्स ऑन इंडियंस, और कभी कभार तो जबरदस्ती करना ही पड़ेगा तुमको आर्मी में काम। एक्स्ट्रा टैक्स वेर लेविड ऑन इंडियंस फॉर रेजिंग फंड्स, उनसे ज्यादा टैक्स लेना चालू हो गया ताकि फंड्स, जो पैसा चाहिए वॉर को उसके लिए सप्लाई हो सके। टैक्सेस ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री वेर इज, टैक्सेस अलग अलग ट्रेड इंडस्ट्री पे और बढ़ गए। ड्यूरिंग द वॉर पीरियड प्राइजेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वेंट अप, तो एसेंशियल गुड्स की प्राइजेस बढ़ गई। ये अगेन लिंक हो गया कि टैक्स बढ़ गया तो एसेंशियल गुड का प्राइस बढ़ गया। अलॉन्ग विद द इन्फ्लेशन एंड हाइक इन प्राइजेस इंडियंस ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कॉज बाय द इंडस्ट्रियल रिसेशन। सो
ग्रेट डिप्रेशन हो चुका था आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, एंड ग्रेट डिप्रेशन के चलते ही एक्चुअली वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होती है. सो ये यहाँ हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिसेशन. इंडियंस कुड सी दैट एक्सप्लॉइटेटिव रूल ऑफ ब्रिटिश वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स. इंडियंस फ्रॉम ऑल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, वर्कर्स, फार्मर्स एंड मिडिल क्लास ज्वाइन द लार्ज नंबर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल. और हमको ये अब दिख गया था कि हमको कितना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और इसीलिए हम सभी लोग हर हर श्रेणी से सोसाइटी के जुड़ चुके थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ आवाज उठाने. सेप्टेंबर 1931 सॉ द इमर्जेंस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. इनिशियली इट वॉज इंग्लैंड, फ्रांस अगेंस्ट जर्मनी एंड इटली. इनिशियली ये लोग ही थे आपस में, चार लोग. फिर इंग्लैंड डिक्लेयर्ड टू सपोर्ट इंग्लैंड. तो हमारे यहाँ पे तब जो वॉइस रॉय था, उस वॉइस रॉय जो था उसने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी वॉर में सपोर्ट करेगा इंग्लैंड. इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट वॉइस रॉयज अनाउंसमेंट. तो हमारे यहाँ पे तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस भी स्थापित हो चुकी थी. सो उसने आवाज उठाई, बोली नहीं नहीं ये नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करना है सपोर्ट. द कांग्रेस वॉज अगेंस्ट जर्मनी एंड इटालियन आइडियोलॉजीज विच वेर इंक्लाइन टूवर्ड्स एग्रेसिव डिक्टेटरशिप एंड ऑल्सो अगेंस्ट इंग्लैंड कोलोनियलिज्म इंक्लाइन टूवर्ड्स इंपेरियलिज्म. तो भले कांग्रेस जर्मनी और इटालियन आइडियोलॉजी नाजिज्म और फासिज्म को सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन साथ ही साथ वो इंग्लैंड की इंपेरियलिज्म को भी सपोर्ट नहीं करती थी. तो इसीलिए वो वॉर में नहीं किसी का साथ देना चाहती. इंग्लैंड क्लेम्ड दैट इट वाज फाइटिंग फॉर प्रोटेक्टिंग डेमोक्रेसी इन यूरोप. और इंग्लैंड तब ये बोल के लड़ रहा था कि हम लोग डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं. तो इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस तब बोल रहा है कि अरे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो हमको तो दो डेमोक्रेसी का हक, हमें हमें भी तो आजाद करो पहले. तो तुम ये खुद ही अपनी बात ऑपोजिट कर रहे हो कि तुम डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हो और हम पर कब्जा करके बैठे हुए हो. तो ये क्लैश ऑफ आइडियाज हो गया फिर से. सो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट इफ इंग्लैंड वॉज ट्रू टू इट्स वर्ड्स, तुम इतने अगर डेमोक्रेसी की बात करते हो, देन इट शुड इमीडिएटली ग्रांट इंडियाज फ्रीडम. सबसे पहले हमको आजाद करो. द कांग्रेस ऑल्सो मेड अ कमिटमेंट दैट इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन वुड हेल्प इंग्लैंड इन द वॉर अगेंस्ट जर्मनी. हमको आजाद कर दोगे तो हम खुद से आएंगे लड़ने के लिए तुम्हारे साथ, ऐसा हमने डिक्लेयर कर दिया. इट वॉज ऑल्सो अनाउंस दैट इफ द इंपीरियलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वॉज टू प्रिवेल, देन इंडियंस विल नॉट हेल्प द ब्रिटिश. और अगर तुमने हमारे पर ये इंपीरियलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन जारी रखा, हमें एक्सप्लॉइट करना जारी रखा, तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे. हावेवर ये अगेन तब सिर्फ हम एक्चुअल में तो कुछ कर नहीं पाते थे तभी कंट्रोल वैसा वायलेंट वे में, तो हमने तो प्रस्ताव रखे थे सारे, वो फॉलो तो हुआ नहीं. हावेवर लॉर्ड लिलिथगो अनाउंस दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट पॉन्डर अपॉन एनी ऑफ द इंडियन इश्यूज टिल द एंड ऑफ द वॉर. तो लॉर्ड लिलिथगो ने तो बोल दिया कि जब तक वॉर खत्म नहीं होगी ये सब पे बात करके कोई मतलब नहीं. रिएक्टिंग टू दिस अनाउंसमेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड नॉट टू पार्टिसिपेट इन एनी टास्क रिलेटेड टू वॉर. तो जैसे ही लॉर्ड ने बोल दिया कि नहीं करेंगे तो आजादी पहले नहीं मिलेगी, पहले वॉर में हाथ दो, फिर बाद में वॉर खत्म होने के बाद देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने तरफ से अनाउंस कर दिया कि हम लोग कोई हेल्प नहीं करने वाले किसी तरह से. एट अबाउट द सेम टाइम जापानीज आर्मी रीच द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया. तो हमने ऊपर देखा था कि जापानीज आर्मी आसाम आसाम तक पहुंच चुकी थी. देयर वर थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स हु हैड जॉइंड दिस आर्मी, दे वर द पेट्रियोटिक मेंबर्स ऑफ आजाद हिंद सेना. अब ये बड़ी मुझे बड़ा जब भी पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी वियर्ड सी बातें लगती है ये, लेकिन सिंस ये फैक्ट है सो ये थोड़ा मैं समझाऊंगा आपको कि जापानीज ने सिंगापुर, मलेशिया ये जगह पे कब्जा कर लिया था, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके. और सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में जाकर उन्होंने जापानीज के अंडर रहकर ही आजाद हिंद सेना बनाई थी, और आजाद हिंद सेना में इंडियंस ही थे. और सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर ये मानना था कि हम इस तरह से ब्रिटिश सरकार को हराएंगे विद द हेल्प ऑफ जापानीज, बट इन रियलिटी जापानीज एक्चुअली फायदा उठा रही थी कि ये इंडियंस अंदर से ही टूटे और ब्रिटिश सरकार को और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. तो आजाद हिंद सेना इंडियन सोल्जर्स से ही लड़ रही थी, वो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश के कहने पर वहां पर इंडियन टेरिटरी को बचा रहे थे. तो इट्स इनडायरेक्टली इंडियंस इंडियंस को ही मार रहे थे, बस नाम अलग अलग थे. सो आजाद हिंद सेना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जापानीज आर्मी एक्चुअली वो
वही हमला कर रही थी हमारे तरफ ईस्ट साइड से, जब उन्होंने सिंगापुर और वगैरह हर जगह पे धीरे धीरे अंडमान निकोबार पे वापस अपना कब्जा ले लिया था, ये हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके। तो वो आजाद हिंद सेना ने कैप्चर करके रंगून तक पहुंचकर आसाम तक हमला चालू कर दिया था। सो जापानीज आर्मी और आजाद हिंद सेना साथ में इंडियन एंड ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे। सो दिस रियली डिस्टर्ब्स मी एक्चुअली एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। एनीवेज लेट्स रीड दैट। एट अबाउट द सेम टाइम जापानीज आर्मी रीच द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स हु हैड जॉइंड दिस आर्मी। बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था। ये वॉलंटियर्स वही थे आजाद हिंद सेना, दे वर द पेट्रियोटिक मेंबर्स ऑफ आजाद हिंद सेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज द लीडर, हिज पॉलिसी वॉज टू टेक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन टू मूव द इंडियंस फ्रॉम इंटेंस अपोजिशन टू ब्रिटिश वाइल द ब्रिटिश वेर एंगेज इन द वॉर। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश वॉर में बिजी है और यही मौका है अपनी खुद की आजादी लेने का। He felt that even enemy of the British may be approached for help if the need be. तो दुश्मन का दुश हमारा दुश्मन का दुश्मन सॉरी दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये लॉजिक उनको सही लगा तभी, और इसीलिए उन्होंने जापान का साथ दिया। आजाद हिंद सेना फॉट फियर्सली फॉर अटेनिंग इट्स गोल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इन द मंथ ऑफ अगस्त 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फाइनली कंक्लूडेड, जब अटैक किया था अमेरिका ने, फाइनल अटोमिक अटैक कर दिया था। इन दिस वॉर इंग्लैंड इमर्ज विक्टोरियस बट इट लॉस्ट हेविली इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। एज अ रिजल्ट इंग्लैंड ग्रू वीकर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया नाउ अवेयर दैट द इंडियन सोल्जर्स एंड पीपल आर नॉट मीक एंड सबमिसिव एज बिफोर, रूलिंग देम वॉज नॉट नो मोर इजी। अब वॉर में भले जीत गए लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और वीक पड़ गए थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थे उसको भी क्लियर हो गया था कि अब इंडियंस को हमने इतना एम्पावर कर दिया हुआ है, अब तो इनको अब हम रूल नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो इंडिया वॉज नॉट गोइंग टू बी पेरेनियल सोर्स ऑफ प्रॉफिट फॉर देम एज इट यूज टू बी, दे डिसाइडेड टू रिटर्न होम। द टू वर्ल्ड वॉज कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ वेल्थ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। द अवेयरनेस दैट देयर शुड बी एन इफेक्टिव मेजर टू अवॉइड सच वॉर्स इन फ्यूचर मेड द विक्टोरियस नेशंस क्रिएट ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड लीग ऑफ नेशंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड यूनाइटेड नेशंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा है लीग ऑफ नेशंस बनी थी बट वो फेल हो गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी हुई एंड उसके बाद अब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुई थी, उसके बाद जो आज तक है, जो कि वर्ल्ड वॉर थ्री होने नहीं दे रही है ऑफ कोर्स, बट स्टिल वी नो रशिया यूक्रेन ये सब होते ही जा रहा है, वॉर होते ही जा रही है, वॉर कहीं ना कहीं चले जा रही है। ओके कोल्ड वॉर्स होते ही जा रही है। सो दैट्स दैट। इंडिया वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द वर्क ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन। इन द नेक्स्ट लेसन वी शाल स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन इन एशिया एंड अफ्रीका। हम देखेंगे कैसे जब हमें हमारे यहाँ से डीकोलोनाइजेशन हो गया था, हमारे हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था, कैसे बाकी कंट्रीज एशिया की कंट्रीज और अफ्रीका की कंट्रीज में कैसे ब्रिटिश फ्रेंच और पोर्चुगल ये सब ने जो कब्जा किया था, कॉलोनीज बनाई थी, वहां पे कैसे डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज मेक नोट्स, रिसर्च करिए, जितना रिसर्च करोगे उतना ज्यादा बेटर है। एंड दैट्स इट। आई होप दैट कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए गाइस। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। 10,000 होने वाला है, प्लीज 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 शेयर करिए, सब्सक्राइब कराए अपने दोस्तों के पास एंड अपने फैमिली मेंबर्स का भी यूट्यूब ओपन करा के उनका सब्सक्रिप्शन करा के 10,000 सब्सक्राइबर्स कराइए मुझे। ज्वाइन करें चैनल को, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ज्वाइन करें। मिनिमल मंथली फी है उसमें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।